मैंने तेरे को कह दिया 1000 रुपए दे दो, नहीं मेरी गाड़ी ठीक करा के दो। देखो तेरे पास लाइसेंस, तेरे पास वो नहीं, तेरे पास इंश्योरेंस नहीं, और बिगर इंश्योरेंस गाड़ी रोड पे, इंश्योरेंस बिगर गाड़ी रोड पे चला रहे हो। दिखा दो लाइसेंस है का दे, लाइसेंस है का भाई। मैं देखो मैं कहना मना कर रहा हूं भाई, लाइसेंस बिगर इंश्योरेंस की गाड़ी तू रोड पे लेके आया, हिंदुस्तान का दो या फिर जो बिना लाइसेंस तो गड्डी में आई सड़क पे, हिंदुस्तान का दो या भाई तेरे। हां जी बिगर इंश्योरेंस की गाड़ी तू ले रोड पे चला के, मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, थोड़ी ना आएगा भाई बिना इंश्योरेंस तो गड्डी चला। अगर इंश्योरेंस होती तब भी होती है, इंश्योरेंस पैसे देती तो कितना परसेंट लेता है? मेरी गड्डी तो तेल होता, तेल मेरे गारंटी है, तेल तो मेरे ही खत्म हो रहा है गाड़ी की चाबी किसके पास है? वो चाबी चाबी किसने निकाली थी? पुलिस वाले ने किसने निकाली? मारते जा रहे हो, आपका कोई तरीका है? ठीक है हमारे घर में मेरे मेरी गाड़ी में तीन बच्चे बैठे हैं यार, आप देखो आप गाड़ी में वो उन्हें जोड़ा हो जाता मुद्दा विनती कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि लगी है कि नहीं लगी, मेरे को नहीं पता, ये कह रहे हैं लगी है तो मेरे को भी गलती हो तो मेरे को क्या सपना थोड़ी आ रहा है? देख लो भाजी अपनी गड्डी देखो ना, मेरे को तो ये भी नहीं पता, मैं कहना मेरा ठीक करा दो ना, आज ही ठीक करा दो, आज ही ठीक करा दो, गल कदम अपना कोई लड़ाई झगड़ा ठीक कराने की बात कर रहे हो तुम, ठीक कराने की बात कर रहे हो या क्या? ठीक कराने के लिए कोई चीज पड़ी है तो चलो अपन, मेरे की गलती हो तो बताओ गाड़ी यार, गलती मैनू सपना आना कि मैं इन्हों की गड्डी रोका, मैं इन्हों की चाबी लावा, मेरी गड्डी रोकी है, ताजी मैनू सपना आना भाजी यार, दसो पुलिस वाला मेरे को भी पकड़ के बिठा देता, मेरी गड्डी मिट्टी ना भरी है, मैं अगे 15 दिन बाद गड्डी हाथ लाया, चल बच्चे चक्कर मरा लिया, नहीं है नहीं है पैसे भरावा, हूं भी देख ला मेरी गड्डी तेल देख ला कितना, कैसे मेरी हाथ लगाएंगे यार? 65 साल का आदमी हाथ जोड़ रहा है, इनको फाइनेंशियली इतना डाउन चल रहा है, आदमी हाथ जोड़ रहा है, मैं अपने बच्चे का दूध देखूंगा या मैं गड्डी ठीक कराऊंगा? मेरे को पिछली लाइट ठीक नहीं कराई जाती यार, मेरे को अपने पिछली 3 नंबर डिवीजन से आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर राउंड पे था, ठीक है ना, चलो बच्चों को चक्कर लगा देता हूँ, यही मेरा रूट था कि यहाँ से रूट ला के चक्कर लगा के मैं दोबारा घर चल जाऊँगा, ठीक है। एक बारी नहीं टक्कर मारी इन्होंने, 2 बारी मारी है, बंदे से एक बारी गलती होते ना बंदा संभल जाता है, ठीक है ना, इन्होंने 2 बारी मारी टक्कर, आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन,
मैं इनको कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा इंश्योरेंस कराने के लिए और पैसा लगाने के लिए। आप मेरी ठीक रहो तो बात करता हूँ, आप मेरी गाड़ी की कंडीशन देखो, मुझे किसी ने बोला 1600 रुपये कंपाउंड पे लगना गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैंने 1600 भी नहीं लगाया, मेरे पास है ही नहीं पैसे, मैं कहाँ से लगा लूंगा यार पैसे। वो तो मानेगा क्यों नहीं, वो तो अच्छा पैर क्यों पड़ रहा है, ये पैर क्यों पड़ रहा है, ये मैं पैर क्यों पड़ रहा है, मेरे भी पड़ रहा है, मेरी वाइफ के भी पड़ रहा है, ये पैर क्यों पड़ रहा है यार। मैं तो स्टेशन रोड की तरफ जा रहा था, ये ट्रैफिक के अंदर ट्रैफिक गाड़ियां भीड़ के चलती है, इन्होंने गाड़ी लगाई, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो सीधा चल रहा हूँ, अगर मैं सीधा चल रहा हूँ ये गाड़ी निकालने की, गाड़ी कोई भी निकालने की कोशिश करेगा, गाड़ी कोई भी निकालने की कोशिश करेगा किसी की लगेगी। मैं जब स्ट्रेट चल रहा हूँ तो मैं आगे देखूंगा या साइड में देखूंगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट निकल के आया हूँ। नहीं भाई साहब, इधर भी ट्रैफिक, इधर भी ट्रैफिक, उधर भी ट्रैफिक, इधर भी ट्रैफिक, चारों तरफ ट्रैफिक है, मेरे को पता ही नहीं कि मेरी गलती है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं तो फोकल पॉइंट से आ रहा था, अपने स्टेशन की तरफ जा रहा था। तो गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? एक्सीडेंट नहीं हुआ भाई साहब, मैं बताता हूँ। एक्सीडेंट कोई पता नहीं, कहते पिछे इन्हों की गड्डी कहते आपस में लगी है माड़ी मोटी, वह करके फिर इतने आ गए नहीं साइड से ला ली। हाँ जी हाँ जी आ रहे। मैटर की है पूरा, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਸ ਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਦੀ ਆ ਸਰ? ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਹ? ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 500 ਗਜ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਡੀ? ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ? ਏਐਸਏ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾਈਏ।